गौतम विज का एक और म्यूजिक वीडियो आउट होने को है। टीजर रिलीज कर दिया गया है और सबा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। कैसा है ये टीजर, कब होगा सॉन्ग रिलीज, सॉन्ग का नाम क्या है, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि म्यूजिक वीडियो का दौर बहुत चल रहा है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट निकलते हैं तो वो म्यूजिक वीडियो में जरूर नजर आते हैं। वेल, अब ऐसे में गौतम विज भी जो बिग बॉस सीजन 16 में नजर आए थे और जिसके बाद उन्हें सीधे एक शो ऑफर हुआ और जुनूनियत में नजर आ रहे हैं, जुनूनियत में अपने किरदार से सभी का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, इसी के साथ आपको बता दे कि अब गौतम विज हैं जो एक और म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं। सॉन्ग का नाम है दूरियां और सॉन्ग का टीजर रिलीज हो चुका है। हम देख रहे हैं टीजर में कि गौतम विज हैं जो सबा के साथ बहुत ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। टीजर बहुत ही खूबसूरत है और ऐसा लग रहा है कि ये एक सैड रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है। सॉन्ग जो है 18 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। वेल, जैसे ही ये टीजर आउट हुआ फैंस बहुत खुश हैं। गौतम विज के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वेल, वहीं आपको बता दे कि गौतम विज हैं जो इस सॉन्ग में सबा के साथ नजर आने वाले हैं। इन दिनों पिक्चर्स आउट हुई थी गौतम विज की, कहा गया कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। दरअसल आपको बता दे कि सबा के साथ ही म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने पिक्चर्स भी शेयर की। फिलहाल तो यहाँ पर जुनूनियत से फैंस का दिल जीत ही रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब ये म्यूजिक वीडियो रिलीज होता है तो फैंस कितना प्यार बरसाते हैं इस म्यूजिक वीडियो पर। वेल, क्या कुछ कहना है गौतम विज पर? वैसे हम सभी को पता है गौतम विज जब बिग बॉस सीजन 16 में नजर आए तो सौंदर्य शर्मा के साथ इनका लव एंगल भी देखा गया, लेकिन बाहर आकर दोनों ही अलग हो गए और जिसके बाद यहाँ पर सौंदर्य अपने काम में जुट गई हैं और यहाँ पर गौतम विज अपने काम में जुट गए हैं, जुनूनियत में नजर आ रहे हैं। उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब म्यूजिक वीडियो आने को तैयार है। तो आप कितने एक्साइटेड है, क्या कुछ कहना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर, टीवी और बॉलीवुड की खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।